Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 30th July 2022, and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are First question Most common site of metastasis in breast cancer is ब्रेस्ट कैंसर में मेटास्टेसिस की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है यह आपको बताना है लंग्स लीवर बोन या फिर ब्रेन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज बोन मेटास्टेसिस शब्द का मतलब होता है शरीर के किसी एक हिस्से में मौजूद कैंसर यहाँ से निकलकर शरीर के किसी दूसरे भाग तक पहुँच जाए ये कंडीशन मेटास्टेसिस कहलाती है जिन पेशेंट्स में जिन पर्सन में ब्रेस्ट कैंसर होता है ये ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से निकलकर सबसे ज़्यादा मेटास्टेसिस बोन में होता है बोन इज अ हाइएस्ट साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर लगभग 65 से 70 परसेंट चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट में बोन के अफेक्ट होने के उसके बाद लंग्स और लीवर प्रभावित हो सकते हैं तो याद रखिएगा ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट के प्रभावित होने के बाद सबसे ज्यादा बोन्स के प्रभावित होने की संभावना रहती है और उसके बाद लंग्स और फिर लीवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडीमियोलॉजी डिटर्मिनेंट्स जनरली इंक्लूड एपिडीमियोलॉजी की डेफिनेशन के अनुसार डिटर्मिनेंट्स के रूप में किसे इंक्लूड किया जाता है होस्ट कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल मीजर्स सोर्स इस क्वेश्चन का आंसर सावधानी से दीजिएगा अगर आप ऑप्शन ए को आंसर मानते हैं तो यह बिल्कुल गलत है अब आप अपना आंसर दीजिए यहां पर डिटरमिनेंट्स पूछा गया है एपिडीमियोलॉजी के डिटर्मिनेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स आर द डिटर्मिनेंट्स आइए इस पूरे कन्फ्यूजन को क्लियर करें अगर आपसे पूछा जाता है कि एपिडेमियोलॉजी के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं तो आप तीन नाम याद रखेंगे पहला है कॉज या एजेंट दूसरा है रिस्क फैक्टर और तीसरा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन एपिडीम्योलॉजी के डिटर्मिनेंट्स हैं कॉजेज या एजेंट रिस्क फैक्टर या मोड ऑफ ट्रांसमिशन वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड मॉडल में किसे इंक्लूड किया जाता है तो आप बताएंगे एजेंट होस्ट एंड एनवायरमेंट दीज थ्री थिंग्स आर इंक्लूडेड इनटू द ट्रायड मॉडल ऑफ एपिडीमियोलॉजी टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में एपिडेमियोलॉजी के ट्रायड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं सेकेंड नंबर पर डिटरमिनेंट्स और थर्ड नंबर पर डेफिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन मेनिया इज अ टाइप ऑफ मेनिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है यह आपको बताना है थॉट डिसऑर्डर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर या फिर न्यूरोटिक डिसऑर्डर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी याद रखिएगा मेनिया मूड डिसऑर्डर है एम फॉर मेनिया एम फॉर मूड एम फॉर मेनिया एम फॉर मूड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ टेम्परेरी टीथ इन चिल्ड्रन इज बच्चों में पाए जाने वाले टेम्प्रेरी तीत जिन्हें आप हिंदी में दूध के दांत कहते हैं कितनी संख्या में होते हैं ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्सटीन फोर्टीन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्वेंटी ह्यूमन में जो टेम्प्रेरी तीत होते हैं उन्हें हम डेसीडस तीत या मिल्क तीत के नाम से जानते हैं और इनकी कुल संख्या बीस होती है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका फॉर्मूला क्या होता है तो आप बताएंगे टू वन ज़ीरो टू अपॉन टू वन ज़ीरो टू यहाँ पर जो दो हैं ये संख्या इंसीजर की है फिर कैनाइन की है फिर जीरो प्रीमोलर्स हैं और लास्ट में है मोलार तीत इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलार नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट तीत की परमानेंट तीत संख्या में बत्तीस होते हैं थर्टी टू होते हैं और इनका जो डेंटिशन या डेंटल फार्मूला आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री अपॉन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री टोटल नंबर है बत्तीस यहाँ पर सबसे पहले संख्या में दो हैं इंसीजर फिर हैं केनाइन फिर हैं प्री मोलर्स और फिर लास्ट में हैं मोलारतीत टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन नेक्स्ट क्वेश्चन डाउन सिंड्रोम अमंग न्यूबॉर्न इज ड्यू टू डाउन सिंड्रोम का कारण आपको सेलेक्ट करना है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्रोमोसोमल एरर मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्रोमोसोमल एरर डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल एरर के कारण होने वाला डिजीज है आइए डाउन सिंड्रोम से जुड़े कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर लें डाउन सिंड्रोम को आप ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड व्हेन एबनॉर्मल सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन एक्स्ट्रा फुल और पार्शियल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ट्वेंटी वन किसी भी पर्सन के अंदर टोटल फोर्टी सिक्स नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होने चाहिए या इसे आप ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोसोम कह सकते हैं लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम फोर्टी सेवन हो जाते हैं यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी वन है वो एक संख्या में एक्स्ट्रा हो जाता है ज्यादा हो जाता है इसी वजह से इसे ट्राइसोमी ट्वेंटी वन के नाम से भी जाना जाता है डाउन सिंड्रोम कॉजेज अ डिस्टिनिक्ट फेशियल अपीरियंस अ फ्लैट नेजल ब्रिज प्रोट्यूडिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड डेवलपमेंटल डिलेज अगर आप डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को देखेंगे तो इसकी बॉडी अपीरियंस नॉर्मल से कुछ हटकर होती है जनरली ये लोग हाइट में कम होते हैं यानी शॉर्ट बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनका चेहरा चपटा होता है जो नेज़ल ब्रिज है वो फ्लैट होता है नाक भी बिल्कुल चपटी चिपकी हुई चौड़ी दिखने में लगती है जनरली इन पेशेंट्स की जो टंग है वो प्रोट्यूडिंग रहती है यानी ज़्यादातर समय इनकी जीप बाहर की तरफ ही रहती है इन पेशेंट्स में हाथ की हथेली पर एक सिंगल रेखा पाई जाती है या इसे आप सिंगल पालमर क्रीज के नाम से जान सकते हैं इनकी जो नेक वाला एरिया होता है वो काफ़ी मोटा होता है और छोटा होता है शॉर्ट नेक होती है इनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है यानी लोगों से ये प्रॉपरली बातचीत नहीं कर पाते कम्युनिकेट नहीं कर पाते और इनके अंदर डेवलपमेंट भी बहुत ही ज्यादा धीमे देखने को मिलता है ये सभी फाइंडिंग्स आपको डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में देखने को मिलेंगी डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट थायराइड और हर्ट डिजीज से सफरिंग हो सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज इन चारों ऑप्शंस में से सबसे बड़ा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कौन सा माना जाएगा ये आपको बताना है अवॉइडेंट डिजीज मेंटल रिटार्डेशन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर राइट आंसर इज ऑप्शन बी मेंटल रिटार्डेशन मेंटल रिटार्डेशन इज अ मेजर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते क्या हैं ऐसे सभी डिजीज या डिसऑर्डर्स जो कि डेवलपमेंटल पीरियड में हों तो इसे हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं बच्चे के डेवलप होने वाली स्टेज के अंदर होने वाले डिजीज़ डेवलपमेंटल डिजीज़ कहलाते हैं जैसे छोटी उम्र में बच्चे का मानसिक विकास हो रहा होता है और किसी कारण से यह ना हो पाए तो बच्चा मेंटली रिटार्ड हो जाता है इसीलिए मेंटल रिटार्डेशन को हम मेजर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मानते हैं मेंटल रिटार्डेशन का मतलब है नॉर्मल पर्सन के अंदर आईक्यू क्यू सेवेंटी से वन हंड्रेड टेन के बीच होता है अगर किसी पर्सन में या किसी बच्चे में आईक्यू लेवल सत्तर से कम हो तो ये कंडीशन मेंटल रिटार्डेशन कहलाती है नेक्स्ट क्वेश्चन एब्सेंट ऑफ स्पीच एंड एक्टिविटी इज टर्म्ड एज अगर किसी क्लाइंट में स्पीच और एक्टिविटी एबसेंट हो तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी ऑटिज्म म्यूटिज्म अफेशिया या फिर क्रेटिनिज्म द राइट right आंसर इज ऑप्शन बी म्यूटिज्म अगर कोई पर्सन अपनी बात को नहीं कह पाता है बोल नहीं पाता है और उसके अंदर फिजिकली एक्टिवनेस नहीं है तो ये कंडीशन म्यूटिज़्म कहलाएगी ऑटिज़्म जो है ये सोशली इंट्रैक्ट ना कर पाने वाली कंडीशन है इसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अफेजिया का मतलब होता है कि अपनी बात को नहीं कह पाना बोल नहीं पाना वहीं क्रिटनिज्म एक कंजनाइटल कंडीशन है जिसमें जन्म के साथ ही बच्चे में थायराइड हार्मोन की कमी देखी जाती है और इसके कारण बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता नेक्स्ट क्वेश्चन रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंट वुमेन को हर दिन कितना प्रोटीन लेना आवश्यक है सिक्सटी ग्राम्स फोर्टीन ग्राम्स थर्टी टू ग्राम्स सेवेंटी फाइव ग्राम्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सेवेंटी फाइव ग्राम्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डब्लू एच ओ कहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को हर दिन सेवेंटी फाइव से हंड्रेड ग्राम मिनिमम प्रोटीन लेना ही चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान यदि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होगा तो इससे बच्चे की ग्रोथ बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बेहतर होगी साथ ही प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होने पर मदर में ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहेगी और मदर के ब्रेस्ट और यूट्राइन टिश्यूज़ का डेवलपमेंट भी प्रॉपर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हिकअप्स हिकअप्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है हिकअप्स को आप हिचकी बोल सकते हैं ऑप्शन ए इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाईफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग आप इसे डाईफ्रैगमेटिक ब्रीथिंग कह सकते हैं ऑप्शन बी थ्री टू टेन परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज़ इन मैनेजमेंट इसके ट्रीटमेंट के लिए तीन से दस परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की जाती है या फिर ऑप्शन ए एंड बी बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी हिकअप्स या हिचकी आना डाइफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग कहलाता है यानी कि हमारे जो लंग्स होते हैं लंग्स यानी कि थोरेसिक कैविटी और इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाला जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है डाइफ्राम है इसमें यदि स्पाज्म आए तो इसकी वजह से हमें हिकअप्स होते हैं हिचकी आती है और इसके ट्रीटमेंट के लिए तीन से दस परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नर्सेस प्राइमरी कंसीडरेशन व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस रेमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट में केयर के दौरान नर्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए सर्जरी कंफर्ट एजुकेशन मोटिवेशन द राइट आंसर इज ऑप्शन टू इट इज कंफर्ट रिमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट में जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन के कारण सीवियर पेन होता है पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाता इस पेशेंट में हमारे लिए नर्स के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पेन को रिड्यूस करना और पेन कम होने के बाद पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा रिमेनिंग ऑप्शंस की बात की जाए तो र्यूमेटॉयड अर्थराइटिस वाले पेशेंट में जब ये डिजीज़ एक लिमिट से ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है बुरे हाल में पहुंच जाती है तो इस पेशेंट में जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं पेशेंट बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाता उस समय पेशेंट के जॉइंट को आर्टिफिशियल जॉइंट द्वारा रिप्लेस किया जाता है उस समय सर्जरी परफॉर्म की जाती है शुरुआती दौर में प्राइमरी कंसिड्रेशन यहाँ पूछा गया था शुरुआती दौर में सर्जरी को हम सही नहीं मान सकते सो इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन और मोटिवेशन पेशेंट पेन में है सीवियर पेन में है इतना दर्द हो रहा है उसे तो इस दर्द वाली सिचुएशन में पेशेंट कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा डीमोरलाइज फील करेगा तो इस समय इस पेशेंट को आप एजुकेशन देंगे या मोटिवेट करेंगे तो दोनों ही इफेक्टिव नहीं रहेंगे पहले पेशेंट को आप कंफर्ट पोजीशन में लाएं यानी उसके पेन का ट्रीटमेंट करें उसके बाद आप उसे एजुकेट कर सकते हैं मोटिवेट कर सकते हैं और फाइनली जरूरत पड़े तो फिर इसकी सर्जरी भी की जा सकती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू प्रोवाइड कंफर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ रिमेटोइड अर्थराइटिस बेस्ड ऑन अ क्लाइंट डायग्नोसिस द नर्स शुड रिव्यू द रिजल्ट ऑफ विच लेबोरेटरी टेस्ट किसी रिमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में कौन सा लैब टेस्ट आप करवाएंगे पैंक्रियाटिक लाइपेस बेंस जॉनसन प्रोटीन एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एल्केलाइन फॉस्फेटेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्थसेट एग्जाम नॉर्थसेट 2022 एग्जाम रिमेटोइड अर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट इसे आप शॉर्ट में ए एन ए टेस्ट के नाम से भी जानते हैं जिन लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं उन लोगों में ये टेस्ट पॉजिटिव पाया जा सकता है रिमेटोइड अर्थराइटिस मे बी ऑटो मे बी ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज़ कंडीशन सो देयर इज चांसेस ऑफ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव इसके अलावा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटस कंडीशन में भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है याद रखिएगा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट जो है एएनए जो टेस्ट है ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल करता है इस टेस्ट के द्वारा हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस और सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटिस कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन दोनों ही कंडीशंस का कॉज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है रिमेनिंग ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो पैंक्रियाटिक लाइपेस लाइपेस एंजाइम पैंक्रियास द्वारा सिक्रीट किया जाता है और इस एंजाइम का काम है फैट को डाइजेस्ट करवाना अगर इस एंजाइम का लेवल बॉडी में घटता है या बढ़ता है तो ये पेंक्रिया से रिलेटेड प्रॉब्लम को बताता है पेशेंट को पेंक्रियाटाइटिस है या नहीं ये चीज़ यदि पता करनी हो तो वहाँ पर हम पेंक्रियाटिक लाइपेस टेस्ट करवाते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया है बेंस जॉनसन प्रोटीन बेंस जॉनसन प्रोटीन, प्रोटीन बेसिकली ये एक यूरिन टेस्ट है इस टेस्ट के द्वारा हम मल्टीपल माइलोमा को आइडेंटिफाई करते हैं दिस टेस्ट इज यूज फॉर मल्टीपल माइलोमा कंडीशन आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए बैन जॉनसन प्रोटीन एक यूरिन टेस्ट है और इसके द्वारा मल्टीपल माइलोमा कंडीशन है या नहीं इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है लास्ट है एल्केलाइन फॉस्फेटेस। एल्केलाइन फॉस्फेटेस बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है जिसके द्वारा हम बॉडी में फॉस्फोरस की एक्टिविटी को चेक करते हैं दिस इज़ अ ब्लड टेस्ट यूज फॉर द चेक द एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोरस की एक्टिविटी को बॉडी में चेक करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है इस टेस्ट के द्वारा लीवर और बिलियरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप साथ ही साथ किसी भी पर्सन में बोन ग्रोथ कैसी है यह पता किया जा सकता है या फिर किसी बोन में कैंसर का मेटास्टेसिस तो नहीं हुआ है इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एल्केलाइन फॉस्फेटेस टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कार्पल टनल सिंड्रोम इज कार्पल टनल सिंड्रोम किस वजह से होता है रेडियल नव में इंजरी के कारण अलर नव में इंजरी के कारण मीडियल नव कंप्रेस होने के कारण यानी उसमें दबाव पड़ने के कारण या फिर एक्सिलरी नव कंप्रेशन के कारण द राइट आंसर इज ऑप्शन सी

हैंड और फोर एरिया के अंदर दिस कंडीशन अकर्स वैन वन पर मेजर नर्व टू देंड दैट इज मीडियल नर्व इस स्क्विस्ड और कंप्रेस्ड एज इट ट्रेवल्स थ्रू द रेस्ट हमारे हाथ की जो मेजर नव है उसे हम मीडियल नर्व के नाम से जानते हैं यह नव फॉरहार्म से निकलकर रिस्ट से होती हुई पाम्स तक जाती है अगर इस नव पर कहीं भी कंप्रेशन हो जाए दबाव पड़ जाए तो उसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम नामक कंडीशन हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन सिरम एमाइलेज इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू असेस द फंक्शन ऑफ किसी क्लाइंट में सिरम एमाइलेज लेवल कितना है इसे पता करके किस बॉडी पार्ट के फंक्शन को असेस किया जा सकता है पैंक्रियास लीवर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पैंक्रियास हमारे पैंक्रियास के द्वारा एम का सिक्रीशन किया जाता है निर्माण किया जाता है और ये एम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है एम के कारण ही कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है उसका डाइजेशन होता है अगर किसी क्लाइंट में एम का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाए या घट जाए तो ये पेंक्रियास में किसी प्रॉब्लम को बताती हैं सिंपली कहें सीरम एमआलेज का लेवल पता करके हम पेशेंट में पैंक्रियाटाइटिस तो नहीं इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैंक्रियाटाइटिस का मतलब है पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन आना सीरम एम टेस्ट करवाने के लिए ब्लड टेस्ट करवाया जाता है इट इज अ ब्लड टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस ऑफ री स्टोर्ड वेंटिलेशन and circulation after CPR includes all the following except except word वर्ड पर जरूर गौर करें इसके आने के बाद पूरे क्वेश्चन का मतलब लगभग उल्टा हो जाता है यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं इन चार में से कोई तीन ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि सीपीआर सक्सेसफुल होने पर पेशेंट में देखे जाएंगे एक को छोड़कर सबसे पहला इम्प्रूव कलर ऑप्शन बी रिटर्न ऑफ स्ट्रोंगर पल्स ऑप्शन सी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर ऑप्शन डी रिटर्न ऑफ सिस्टमिक ब्लड प्रेशर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर सी पी आर सक्सेसफुल यदि होता है तो पेशेंट में बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ता या फिर सी पी आर का बॉडी टेम्परेचर से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है ऐसा भी आप याद रख सकते हैं जब भी किसी जगह आपको कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिले तो सबसे पहले आप उसे जाकर ज़ोर से शाउट आउट करेंगे हेलो जागो कौन हो आप क्या नाम है आपका अगर पेशेंट किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं करता है तो तुरंत आप अडल्ट पर्सन यदि है तो उसकी कैरोटिड पल्स असेस करेंगे अगर चाइल्ड है तो उसमें फिमोरल पल्स और यदि इन्फेंट है तो उसमें ब्रेकिअल पल्स का असेसमेंट करेंगे पल्स अगर नहीं मिलती है तो तुरंत पेशेंट का रेस्पिरेशन देखेंगे रेस्पिरेशन भी नहीं है तो तुरंत आप पर्सन के अंदर सी शुरू कर देंगे कार्डियोपलमरी रिसस्टिटेशन शुरू कर देंगे सी सक्सेसफुल रहने पर पेशेंट में तुरंत रेस्पिरेशन वापस आ जाएगा उसकी हार्ट रेट चलने लगेगी स्ट्रॉन्ग पल्स आ जाएगी और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होने लगेगा स्किन जो है अगर ब्लू हो गई थी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन तो उसका कलर भी नॉर्मल होने लगेगा ये सभी फाइंडिंग्स आपको सी के सक्सेसफुल होने के बाद देखने को मिलेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन रिटेनिंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रियर एक्सपीरियंस इज नोन एज एक्सपीरियंस के साथ किसी व्यक्ति के बिहेवियर में आने वाला परमानेंट चेंज क्या कहलाता है एजुकेशन एप्टीट्यूड लर्निंग इंटेलिजेंस The right answer is option C. It is learning. Let's see the exact definition. Learning is the relatively permanent change in a person's knowledge or behavior due to experience. Kisi bhi Vyakti mein knowledge or एक्सपीरियंस के बाद बिहेवियर में आने वाला चेंज परमानेंट चेंज लर्निंग कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अ लीवर सिरोसिस पेशेंट्स सिरम अमोनिया लेवल इज एलिवेटेड एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब्स थर्टी एम एल ऑफ लैक्टुलोज विच द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग लीवर सिरोसिस का पेशेंट है इसमें अमोनिया का लेवल बढ़ता जा रहा है डॉक्टर द्वारा इसे थर्टी एम एल लैक्टुलोज लेने के लिए कहा गया है इस लैक्ट्यूलेस ड्रग का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है वो आपको बताना है यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा टेम्परेचर बॉडी बॉडी टेम्परेचर घट जाएगा एंड वॉमिटिंग होगा या फिर बाउल मूवमेंट बढ़ जाएगी द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंक्रीज बाउल मूवमेंट इस पर्सन के अंदर स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी बाउल मूवमेंट बढ़ जाएंगे हमने लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट जिसमें लीवर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है उस पेशेंट को लैक्टुलोज दिया ताकि इसके शरीर में मौजूद एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ अमोनिया को बाहर निकाला जा सके जैसे ही आप पेशेंट को थर्टी एम एल लैक्टुलोज देंगे ये हमारी बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा अमोनिया को पकड़कर फीसेस के थ्रू स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकालेगा और इसी वजह से लेक्टुलोज देने पर स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन अ क्लाइंट विद सीवियर एसाइटिस विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन वुड बी अप्रोप्रिएट एक पेशेंट जिसे एसाइटिस डिजीज हुआ है इसे आप कौन सी पोजीशन में रखेंगे सिम्स लेटरल साइड लाइन फॉलर्स कार्डियक पोजिशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फॉवलर्स पोजिशन आइए इस पोजीशन को क्यों देंगे इससे पहले एसाइटिस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं हमारे बॉडी में अगर एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन की कमी हो जाए तो इससे ऑनकोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है और ऑनकोटिक प्रेशर वह प्रेशर है जो कि फ्लूइड को ब्लड वेसल में बांध के रखता है फ्लूइड को ब्लड वेसल से बाहर नहीं आने देता जैसे ही एल्ब्यूमिन कम हुआ ऑनकोटिक प्रेशर भी कम होगा और ऑनकोटिक प्रेशर के कम होते ही ब्लड वेसल्स का जो फ्लूइड है धीरे धीरे ब्लड वेसल से निकल कर बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंच जाएगा बॉडी टिश्यू के बीच में इकट्ठा होने लगेगा इसी वजह से पेशेंट के बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी सूजन होगी एडिमा होगी अब ये फ्लूइड हमारे एब्डोमेन एरिया में पेरिटोनियल कैविटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है देखें तो पेशेंट का जो पेट है बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ दिखाई देगा ड्यू टू एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फूड फ्लूड अब इस पेशेंट के पेरिटोनियल या एब्डोमेन एरिया में फ्लूड की प्रेजेंस के कारण डाइफ्राम पर लगातार दबाव पड़ता रहता है और डाइफ्राम पर दबाव पड़ने से पेशेंट सांस नहीं ले पाता पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है और पेशेंट में सांस की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम पेशेंट को फॉवलर्स पोजीशन में रखते हैं फॉवलर पोजीशन का मतलब है पेशेंट को किसी चीज़ का सहारा लगाकर इस पोजीशन में रखना ऐसा करने से पेशेंट का जो पेशेंट के जो लंग्स हैं उन्हें ब्रीथिंग के दौरान फैलने के लिए फूलने के लिए पूरा स्पेस मिलेगा और पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा गैस इन आउट कर पाएगा और रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही थी वो अब दूर होने लगेगी तो याद रखिएगा एसाइटिस कंडीशन में पेरिटोनियल कैविटी में मौजूद एक्स्ट्रा फ्लूड के कारण डायफ्राम पर दबाव पड़ता है जिससे पेशेंट सांस नहीं ले पाता सांस की इस तकलीफ को दूर करने के लिए पेशेंट को हम फॉवलर्स पोजीशन में बिठाते हैं जिससे कि पेशेंट के लंग्स को फैलने के लिए पूरा स्पेस मिले और रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफिकल्टी दूर हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होने पर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी हाई सीरम कैल्शियम लेवल लो सीरम कैल्शियम लेवल हाई सीरम पोटेशियम लेवल लो सीरम पोटेशियम लेवल द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लो सीरम कैल्शियम लेवल आइए इस चीज को समझ लेते हैं दिस इज द बोन एंड दिस इज द ब्लड वेसल और यहां पर ब्लड फ्लो कर रहा है अगर किसी क्लाइंट में पैराथाइर हार्मोन की बात की जाए उसका क्या रोल होता है पैराथायरॉइड हार्मोन पी टी एच ये पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला हार्मोन है जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है तो ये हार्मोन बोन में मौजूद कैल्शियम को निकाल कर ब्लड को दे देता है और इस एक्शन के कारण ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ी हुई रहती है अगर ज़्यादा मात्रा में पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होगा तो बोन से ज़्यादा कैल्शियम लेकर ब्लड में डालेगा बोन खोखली होंगी लेकिन ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता रहेगा इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा कैल्सीटोनिन नाम का हॉर्मोन सेक्रेट किया जाता है कैल्सिटोनिन क्या करता है ये ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा कैल्शियम को लेकर बोन को दे देता है बोन इसे अपने अंदर स्टोर करती है कैल्सिटोनिन तो क्या करता है ब्लड से कैल्शियम लेकर बोन को दे देता है बोन इसे अपने पास रिजर्व रखती है और पैराथायरॉयड हार्मोन बोन से कैल्शियम लेकर ब्लड को देता है ताकि ब्लड में इसकी मात्रा रहे दोनों हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं जब ब्लड में कैल्शियम की जरूरत होती है तो पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है ताकि बोन से कैल्शियम ब्लड में पहुँच जाए लेवल बरकरार रहे पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया या टिटैनी इस्पाजम आदि सिम्टम्स ना फेस करने पड़े और जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है किसी दिन आप बहुत ज़्यादा दूध पी लेते हैं तो उस दिन ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा कैल्शियम को निकाल कर कैल्सीटोनिन बोन को दे देता है ये बोन कैल्शियम को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं और हड्डियाँ मजबूत होती हैं अगर मान लीजिए किसी कारण से आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन बंद कर दें पैराथायरॉयड हार्मोन ना बनाएं तो क्या होगा बोन से कैल्शियम ब्लड में नहीं जा पाएगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन हो जाएगी और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है लो सीरम कैल्शियम लेवल ब्लड में सीरम कैल्शियम की कमी होना नॉर्मली 8.5 से 10 के बीच में आ, 8.5 टू 10 एम पर डीएल के बीच में कैल्शियम की जो मात्रा है वो होनी चाहिए इससे कम लेवल हाइपो और इससे ज्यादा लेवल हाइपर कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अ क्लाइंट हु हैज इंटरमिटेंटली बीन हैविंग पेनफुल स्वलन नी एंड रिस्ट जॉइंट During past 3 months is diagnosed with rheumatoid arthritis. What type of diet should the nurse expect healthcare provider to order? एक person को, एक patient को पिछले तीन महीने से लगातार, बीच-बीच में joints में दर्द होता है, सूजन आ जाती है, especially wrist area के अंदर, इस patient को डायग्नोसिस के बाद रिमेटॉइड अर्थराइटिस होना देखा जाता है इस सिचुएशन में पेशेंट को कौन सी डाइट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाएगी ऐसा एज अ नर्स आप अनुमान लगाते हैं सिंपली आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट को कैसी डाइट लेनी चाहिए ये बताना है ऑप्शन ए साल्ट फ्री लो फाइबर डाइट ऑप्शन टू हाई कैलोरी लो Cholesterol diet. Option three, high protein diet with minimal calcium. Option four, regular diet with vitamin, vitamin and minerals. The right answer is option four. अर्थराइटिस के पेशेंट्स को कभी भी स्पेसिफिक डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर पर्सन एक रेगुलर बैलेंस डाइट ले रहा है तो उसे कुछ भी एडिशनल लेने की आवश्यकता नहीं है पेशेंट बैलेंस डाइट ले रहा है जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिनरल्स इंक्लूडेड हैं तो यही उसके लिए सबसे सही डाइट मानी जाएगी यहाँ पर साइल्ट साल्ट या फाइबर्स का रेस्ट्रिक्शन करना आवश्यक नहीं है पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट कभी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अगर पेशेंट हाई कैलोरी डाइट लेगा तो उसका वज़न बढ़ेगा और पेशेंट के जॉइंट्स वैसे ही काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से और बॉडी का वज़न अगर बढ़ता है तो पेशेंट के जॉइंट्स पर और दबाव पड़ेगा और कंडीशन बिगड़ सकती है इसलिए हाई कैलोरी डाइट भी पेशेंट को नहीं लेनी है हाई प्रोटीन और कम कैल्शियम लेने का यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेशेंट को अर्थराइटिस वाले पेशेंट को सिंपली रेगुलर डाइट लेनी है जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मौजूद हों नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमनली यूज सॉल्यूशन फॉर औरल केयर इंक्लूडेड औरल केयर के लिए कौन से सॉल्यूशंस इस्तेमाल किए जाते हैं पोटेशियम परमाग्नेट वन इस टू फाइव थाउजेंड टू वन इज टू सिक्स थाउजेंड कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन परॉक्साइड वन इस टू एट कॉन्सेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड या फिर ऑल द अबाव द राइट आंसर इज ऑप्शन डी किसी भी पर्सन को ओरल केयर करवाने के लिए आप पोटेशियम पर जिसका कॉन्सेंट्रेशन वन इस टू फाइव थाउजेंड या वन इस टू सिक्स थाउजेंड के बीच हो इस्तेमाल किया जा सकता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वन इस टू एट कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और सोडियम क्लोराइड भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर फॉर बेड सोर बेड सोर्स के लिए रिस्क फैक्टर सेलेक्ट करना है आपको शेयरिंग फोर्स मॉइस्चर इंपेयर पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑल ऑफ द अबाव द राइट आंसर इज ऑप्शन डी जब कोई पर्सन लगातार एक ही पोजीशन पर रहता है तो जो एरिया बेड या चेयर के कांटेक्ट में है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है दबाव पड़ने के कारण उस एरिया में यदि नमी है मॉइस्चर है वो एरिया पसीने से भीगा रहता है तो और वहाँ पर पेशेंट का बेड पर ऊपर से नीचे शिफ्ट होते समय एरिया पर जो घर्षण लगता है फ्रिक्शन लगता है उसे आप शेयरिंग फोर्स कहते हैं तो घर्षण के कारण नमी के कारण और ब्लड सप्लाई कम होने के कारण पेशेंट को बेड सोर हो सकते हैं ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट पेशेंट में बेड सोर को रोकने के लिए आप हर दो घंटे बाद उसकी पोजीशन चेंज करवाते रहें, ये सबसे बेस्ट इंटरवेंशन है नेक्स्ट क्वेश्चन अ क्लाइंट विथ यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर रिपोर्ट्स डिस्कम्फर्ट इन ब्लैडर एंड यूरित्रा वॉट शुड द नर्स डू फर्स्ट सबसे पहले उस पेशेंट में एज अ नर्स आप क्या करेंगे जिसमें यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर लगा है यानी कि फॉलिस कैथेटर लगा है इन ड्वेलिंग कैथेटर लगा है ये पेशेंट यदि आपको ब्लैडर और यूरिथ्रा वाले एरिया में कंप्लेन करता है डिस्कम्फर्ट की तो ऑप्शन वन मिल्क द ट्यूबिंग जेंटली हम इस पेशेंट की ट्यूब को अंदर बाहर करके देखेंगे ऑप्शन टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे ऑप्शन थ्री चेक द पेटेंसी ऑफ कैथेटर हम कैथेटर की पैटेंसी चेक करेंगे कि इससे यूरिन बाहर आ रहा है या नहीं ऑप्शन फोर इरिगेट द कैथेटर विद प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन हम पेशेंट पेशेंट में लगे कैथेटर को प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन के द्वारा फ्लश करके देखेंगे इरिगेट करके देखेंगे कि कहीं वहां रुकावट तो नहीं कौन सा एक्शन सबसे पहले यूज किया जाएगा इस पेशेंट में जिसमें कैथेटर लगा है और उसे पेनिस और ब्लैडर एरिया में डिस्कम्फर्ट हो रहा है यूरिथ्रा और ब्लैडर एरिया में डिस्कम्फर्ट हो रहा है बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क इन अपकमिंग एग्जाम्स द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री चेक द पेटेंसी ऑफ कैथेटर हमें इस पेशेंट में लगे कैथेटर की पेटेंसी को चेक करना चाहिए सबसे पहले जब भी पेशेंट यूरिनरी कैथेटर लगा होने के बाद पेन डिस्कफ़र्ट इचिंग बर्निंग आदि की कंप्लेन करे तो सबसे पहले आप पेशेंट के कैथेटर की पैटेंसी चेक करेंगे यानी कि देखेंगे कि क्या इस कैथेटर से यूरिन यूरो यूरिन बैग में पहुंच रहा है या नहीं कैथेटर फंक्शनिंग है या नहीं दिस इज द फर्स्ट एक्शन वी मस्ट परफॉर्म्ड जैसे ही हम पेशेंट में पेटेंसी चेक करेंगे अगर ड्रेनेज प्रॉपरली हो रहा होगा तो इससे पेशेंट में जो डिस्टेंशन या डिस्कम्फर्ट है वो ठीक हो जाएगा ऑप्शन वन में कहा गया था कि हम ट्यूब को मिल्क करेंगे उसे आगे पीछे करके देखेंगे जो कि सही ऑप्शन नहीं है जनरली अगर कैथेटर क्लॉग्ड होता है तब इस फाइंडिंग को इस इंटरवेंशन uh, को हम इस्तेमाल करते हैं जो कि यहां पर इस्तेमाल करने योग्य नहीं है हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी डॉक्टर को इन्फॉर्म करने से पहले आपको किसी भी uh, पहले खुद असेसमेंट करना चाहिए जब भी आप किसी कंडीशन के बारे में डॉक्टर को इन्फॉर्म करने जाएं उससे पहले आप उस कंडीशन को पूरा असेस कर लें एनालाइज कर दें फिर उन्हें रिपोर्ट करें ऑप्शन फोर के अंदर कहा गया था कि इरिगेट करेंगे कैथेटर को कैथेटर को इरिगेट करने के लिए आपको उसे यूरो बैग की ट्यूबिंग से ओपन करना पड़ेगा फ्लश आउट करना पड़ेगा और ऐसा करते हुए पेशेंट में इन्फेक्शन होने की संभावना है इसलिए हम इसे जनरली तुरंत परफॉर्म नहीं करते सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो बेस्ट ऑफ लक